रूपनगर अज उस वेले मुड़ चर्चा विच आया जदों रूपनगर जिले दे पुलिस ने एक व्यक्ति नूं 7 गैर कानूनी हथियारां दी खेप नाल काबू किया। यह जानकारी SSP रूपनगर संदीप गर्ग ने दस्या कि पटियाला जेल दे विच बंद गैंगस्टर जगदीप सिंह काका ते गैंगस्टर सुखदीप सिंह टोनी जिन्हां उत्ते कई संगीन मामले दर्ज हन उन्हां ते तालमेल दे नाल सरवंत सिंह रिक्की वासी कोटकपुरा 7 गैर कानूनी हथियारां दे नाल रूपनगर शहर दे पुराने बस स्टैंड दे लागे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दस्या कि मुढ़ली जानकारी विच पता चलिया है कि सरवंत सिंह ने एक हथियारां दे खेप पटियाला जेल विच बंद काका टोनी दे कहे अनुसार लियांदी। फिलहाल होर वड्डी जांच जारी है पर प्राथमिक जांच यह पता चलिया है कि इन्हां ने इस हथियारां दे नाल कोटकपुरा विच किसी वड्डी वारदात नूं अंजाम देना सी। सीनियर पत्रकार जतेंद्र पाल सिंह कलेर दी रूपनगर तों स्पैशल रिपोर्ट लाइव भारत। रोपड़ पुलिस नूं कल एक वड्डी सफलता मिली जदों 7 जिहड़े नजायज़ हथियार सीगे ओह जिहड़ी उन्हां दी खेप जिहड़ी हैगी फड़ी गई। ये जिहड़े हथियार सीगे दो जिहड़े माड़े अंसर ने ओह जेल दे विच बंद ने काका ते टोनी उन्हां वास्ते जिहड़े उन्हां दे बिहाफ ते ही हथियार आए हुए सीगे ते उन्हां ने एक कोटकपुरे दे विच वड्डी वारदात दे विच इन्हां हथियारां दा इस्तेमाल करना सीगा ते ये जिहड़ा बंदा फड़े जाण करके ते इच जिहड़े 7 दे 7 हथियार फड़े जाण करके ये वड्डी वारदात जिहड़ी हैगी है जिहड़ी कोटकपुरे होनी सी ओह टल गई। काका ते टोनी कौन है जी, की इहनां दे बैकग्राउंड की, इहनां दा मोटिव? ये कोटकपुरे नूं बिलोंग करदे ने ते इन्हां ते काफ़ी FIRs भी हैगियां जिवें एक जिहड़ा जगदीप सिंह काका है वह ते 7 परचे हजे तक साडे सामने आए हैं जिहदे विच मजोरिटी आर्म्स एक्ट दे 302 दे 307 दे लड़ाई झगड़े दे सारे उस टाइप दे परचे है ते एक जिहड़ा सुखदीप सिंह टोनी है वो उत्ते फिलहाल साढ़े 4 परचे सामने आए हैं। ये उत्ते भी एक्साइज एक्ट आर्म्स एक्ट मर्डर ये सारे जिहड़े हैगे परचे UP ते पंजाब दोनों जगह दे विच ये दर्ज परचे है। सर की लगता जिस तरीके दे नाल लगातार आर्म्स जिहड़े रिकवर हो रहे हैं ते माहौल पंजाब दा जदों दी सरकार चेंज होई है कोई किस तरह दे जिहड़े लोग ने वो इस चीज़ नूं कर रहे ने तां की है? नहीं, ये तो देखण दा नज़रिया जी कि जिवें हुण पुलिस जिहड़ी हैगी है बहुत एक्टिव है इस टाइम ते ते असीं सारे पूरी मेहनत नाल लगे हुए हैं ते कोई भी चाहे हथियार है चाहे ड्रग्स है चाहे किसी भी किस्म की जी समस्या इस सूबे अपने चलती पई है उन्होंने असी नजिठ रहे हैं ते नाल दी नाल फड़ के जिहड़े बंदे हैगे माड़े अंसर उन्होंने अंदर भी दे रहे हैं। जिहड़े दसे तुहानू काका ते टोनी ये बिहाइंड दी सीन ने ये कोटकपुरे के रहने वाले बंदे है ते इन्हां दी कोई परसनली जिहड़ी राइवलरी हैगी है उत्थे कोटकपुरे दे विच उसनू सिरे लाने लई इन्हां ने यह किया जाता है। नहीं हजे तक सामने नहीं आया पर ये सारे बंदे असीं इस केस दे विच प्रोडक्शन वारंट ते लैके आवांगे जेल दे विचों तां उन्हां दी पुछगिछ दौरान ये सारियां चीज़ां सामने आणगियां। ये हथियार कित्थों दे हैगे, ये लाइसेंसी है या विदाउट लाइसेंस? ये सारे विदाउट लाइसेंस जिहड़े हैगे है इलीगल वैपन जिहड़े हैगे आए हैगे ते ये मोस्टली जिहड़े वैपन हैगे है मध्य प्रदेश तों आउंदे ने ते ये भी सानूं पूरी पूरे शक है कि उधरले पासों ही आए होणगे। शहर दे एरिया दे विच्चों ही पुराने बस स्टैंड दे कोले जिहड़ी अपनी अकैडमी हैगी NCC दी उहदे नेड़ों इह जिहड़ा बंदा सीगा साडी इनफॉर्मेशन सीगी ते उस दे रिगार्डिंग इह बंदा जिहड़ा नाका लगा के फड़िया। किन्ने बंदे? इह इक बंदा गिरफ्तार कीता गया इहदे विच सरवंत सिंह उर्फ रिक्की। स्टेटस की है इहदा? की बैकग्राउंड इह बेसिकली इह सप्लाई करन आया सीगा वैपन इह जिहड़ा जिहड़े जिहड़े जेल दे विच बंद ने उह काका ते टोनी उन्होंने यदि ड्यूटी लाई सी कि यह बंदा जो है रिसीव करके वैपन इन्हें अगे किसी होर बंद नूं देने सी। ये FIR जी है 71 नंबर दर्ज की है अज इन कोर्ट पेश किया जाएगा तो उस तो बाद रिमांड लिता जाएगा।